थे किसी दिन 8 घंटे रह जाते थे, किसी दिन 9 घंटे, और मैं ट्राई करती थी कि वीकली कम से कम मेरा 1 या 2 दिन ऐसा जाए जिसमें 11 से 12 घंटे मैं पहुँच रही हूँ, और मंथली मैं थोड़ा एक दिन ऐसा पूरा मंथ में ऐसा हो कि मैं 13 घंटे भी पढ़ रही हूँ। तो मैं मंथली जो है वो चीज़ एनालाइज करती थी कि मैं मंथ में कितने घंटे, कितने दिन, कितने ज़्यादा घंटे पढ़ी हूँ। मैंने आके देखा कि रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट्स आर आउट, सिर्फ इतनी नोटिफिकेशन आई रखी थी। फिर मैंने समझ गई कि लिस्ट में नाम है, तो आई डायरेक्टली कॉल्ड माई फादर, और मैंने कॉल करके मैं बहुत रोने लग गई ज़ोर ज़ोर से। तो मेरे फादर को लगा कि मेरा नहीं हुआ है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, रो क्यों रही है, इस बार नहीं हुआ तो दूसरी बार देंगे। अब ये तो फर्स्ट अटैम्प्ट ही तो है, इसके बाद और भी अटैम्प्ट देंगे, और सब बच्चों का थोड़े ना पहली बार में होता है। तो मेरे फादर ऐसे बोलने लगे, फिर मैंने रोते रोते कहा कि नहीं मेरा हो गया है। तो फादर वॉज लाइक कि फिर क्यों रो रही है, तो हो गया तो बहुत अच्छी बात है, रैंक वगैरह। फादर को डेली पुलिस में हमेशा काम करते देखा है, उनकी एडवाइस मानी। इसके अलावा दूसरा रीज़न मेरा ये भी था सर पर्सनली, कि हमारी जो सोसाइटी है जहाँ से मैं आती हूँ पर्सनली, जिस रीजन से, मेरा ये था क्योंकि मैं घर पे रहती थी तो मेरा अर्ली मॉर्निंग स्केड्यूल रहता था कि मैं रात को 11 बजे के आसपास सो जाती थी, 11 साढ़े 11, और सुबह 5:30-6 बजे जग जाती थी। और मेरा ये था कि 6 बजे से सुबह और 12 बजे तक दोपहर के कम से कम 4 से 5 घंटे का स्टडी हो जाए मेरा कैसे भी करके। तो मैं वहाँ उस टाइम बहुत सीरियसली 3 घंटे का एक स्लॉट और 2 घंटे का एक स्लॉट देती थी, तो मतलब 5 घंटे मैं 12 बजे तक कंप्लीट कर लेती थी, 12 बजे के बाद मैं खाना खा। वेलकम टू 9 अल्टीमेट। अभी हमारे साथ वंदना मैम है। मैम इस बार UPSC CSE एग्ज़ाम क्लियर की है, मैम से बातचीत करने वाले हैं। मैम ने कैसे तैयारी किया, क्या जर्नी रहा, क्या स्ट्रगल रहा, बुक लिस्ट सब कुछ पे बात करने वाले थे। यदि आप लोग नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहे। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैम आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम वंदना मीना है, और इस साल की सिविल सेवा परीक्षा में आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 331। अपार्ट फ्रॉम दिस माई फादर इज़ इन दिल्ली पुलिस, ही इज़ एन ASI। माई मदर इज़ एन होम मेकर। आई बिलोंग्स टू राजस्थान बट करेंटली आई एम लिविंग इन द फरीदाबाद रीजन ऑफ हरियाणा। इसके अलावा सर मेरा जो UPSC में ये फर्स्ट सीरियस अटैम्प्ट था, आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैथमेटिक्स ऑनर्स था मेरी ग्रेजुएशन में। जैसे कि मैम कई एस्पिरेंट होते हैं एग्जाम क्लियर नहीं होता है, प्रीलिम्स नहीं निकल पाते हैं, तो क्या वजह होती है? सर मेनली आई थिंक जो मेन रीज़न होता है दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स इज बिकॉज वो या तो डायरेक्टली प्रीलिम्स दे देते हैं बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करे। अपार्ट फ्रॉम दिस टेस्ट कम लगाते होंगे, या तो अलॉन्ग विद दिस सर आई थिंक एक तो सिलेबस को नहीं देखते ढंग से, और जो होता है ना एक भेड़ चाल में चलते हैं। आई थिंक खुद का एक यूनिक चीज़ रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, उनको एनालाइज करिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, उसमें भी देखिए कि आपकी जो वीकनेस है वो कहाँ पर है। और आजकल तो सर आई थिंक प्रीलिम्स इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि CSAT बहुत ट्रिकी हो गया है, और स्टूडेंट्स बहुत लाइटली लेते हैं CSAT को, दिस इज़ व्हाट आई फील। तो CSAT को लाइटली मत लीजिए, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। इवन द स्टूडेंट्स विद मैथमेटिक्स बैकग्राउंड आर ऑल्सो फेलिंग इन दिस, सो प्लीज़ CSAT पे फोकस करिए अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है तो। मैम जब आपका रिजल्ट आया तो रिजल्ट का दिन कैसा रहा, और सबसे पहले रिजल्ट मतलब किसने देखा आपका? सर एक्चुअली जिस दिन रिजल्ट आया बेसिकली तो ये था कि हमारे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मैं अपने रूम पे थी। तो जब मैं रूम पे थी तो रिजल्ट आने वाला था 1 बजे के आसपास, वी ऑल न्यू दिस कि 1 बजे आएगा। तो मैं वॉशरूम गई, मैंने आके देखा कि रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट्स आर आउट, सिर्फ इतनी नोटिफिकेशन आई थी फ़ोन पे। फिर मैं दोबारा भाग के बाथरूम में चली गई, और मैं आई वॉज लाइक कि खुद को कंसोलिडेट किया कि ठीक है, कंसोल किया कि ओके फाइन, लेट इट बी, जो भी होगा देख लेंगे। सबसे बड़ा डर यही था कि नहीं होगा तो पेरेंट्स को कैसे बोलेंगे कि नहीं हुआ है, इट वॉज़ अ टफ थिंग फॉर मी। तो फिर मैं वापस आई, फिर मैंने देखा अपना फ़ोन तो किसी की मिस्ड कॉल आ रखी थी। फिर मैंने समझ गई कि लिस्ट में नाम है, तो आई डायरेक्टली कॉल्ड माई फादर, और मैंने कॉल करके मैं बहुत रोने लग गई ज़ोर ज़ोर से। तो मेरे फादर को लगा कि मेरा नहीं हुआ है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, रो क्यों रही है, इस बार नहीं हुआ तो दूसरी बार देंगे। अब ये तो फर्स्ट अटैम्प्ट ही तो है, इसके बाद और भी अटैम्प्ट देंगे, और सब बच्चों का थोड़े ना पहली बार में होता है। तो मेरे फादर ऐसे बोलने लगे, फिर मैंने रोते रोते कहा कि नहीं मेरा हो गया है। तो फादर वॉज लाइक कि फिर क्यों रो रही है, तो हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, रैंक वगैरह बता। फिर तब जाके मैंने अपना फाइनल देखा कि हाँ ओके, मेरा नाम है और मेरा रैंक भी है, तो इट वॉज 331 एंड आई टोल्ड माई फादर की 331 है। हम सब बहुत खुश थे फिर। मैम इस एग्ज़ाम के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? सर जी बेसिकली मोटिवेशन इन द सेंस कि मेरे फादर जो है उन्होंने मुझे
फोर्स नहीं किया था, उन्होंने मुझे बोला था कि यूपीएससी ट्राई कर सकते हो। लोगों को लगता है कि फोर्स किया था, नहीं ऐसा नहीं था। उन्होंने मुझे सिर्फ एक एडवाइस दी कि यूपीएससी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है आगे और बहुत बड़ा कैरियर भी है इन द, तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने भी वो उनकी एडवाइस परस्यू करी। परस्यू करने के बाद आई थिंक सर एक तो वो मेन फैक्टर रहा था, फादर को दिल्ली पुलिस में हमेशा काम करते देखा है, उनकी एडवाइस मानी। इसके अलावा दूसरा रीज़न मेरा ये भी था सर पर्सनली, कि हमारी जो सोसाइटी है जहाँ से मैं आती हूँ पर्सनली, जिस रीजन से, वहाँ पे सोशल इश्यूज लाइक डाउरी सिस्टम बहुत ज़्यादा है इतने कड़क नियमों के बाद भी। तो आई थिंक दैट वाज वन आल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न कि मैं, क्योंकि पर्सनली फेस किया है सर ये चीज़, तो मुझे अंदर से था कि हाँ इस चीज़ के लिए भी कुछ करना है। तो आई थिंक दीज वर द मेन रीजन्स मैंने क्यों यूपीएससी परस्यू किया, ये मेरे मोटिवेशन थे। उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बताइए सर। प्रीलिम्स स्पेसिफिक जी, प्रीलिम्स के लिए आई थिंक बेस्ट स्ट्रेटजी सर यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने नहीं है, उनको देखने के बाद उनके जो आंसर्स हैं उनको एनालाइज करना है। अगर कोई पॉइंट ऐसा लग रहा है कि जो आपको नहीं आता है, उसको सेपरेट नोटबुक में लिख लीजिए। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है सर, उसमें 1995 से आई थिंक उस पूरे पीवाई के उस दे रखे हैं, तो उसमें मैं जब आंसर देखती थी तो मैं उसमें हाईलाइट कर लेती थी, और जो पॉइंट्स मुझे लगता था कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी ने दोबारा पूछा है और दोबारा और पूछ सकती है, उनको मैं एक सेपरेट पेज पे लिख के उसी बुक में पेस्ट कर लेती थी। जैसे हिस्ट्री वाला अगर सेक्शन में पढ़ रही हूँ, हिस्ट्री में कुछ पॉइंट्स मिले तो हिस्ट्री के सेक्शन के आगे मैंने वो पेज पेस्ट कर लिया। सिमिलरली विद द ज्योग्राफी एंड अदर थिंग्स। इसके अलावा सर टेस्ट सॉल्व करिए। टेस्ट सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी कहाँ वीकनेस है। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रीलिम्स में बिल्कुल स्पेसिफिक रिसोर्सेज पे स्टक रहिए। मतलब इतने टॉपर्स बोलते हैं, मैं अभी बोलती हूँ, पर बच्चे नहीं समझते हैं ये चीज़, कि जितने भी बेसिक बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है, उन पे स्टक कीजिए। अगर पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत है तो लक्ष्मीकांत ही फॉलो करिए और कोई रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए। अलॉन्ग विद दिस सर, प्रीलिम्स के लिए आई थिंक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या वीकनेस है। सी सेट को लाइटली मत लीजिए। सी सेट में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वांट में बेसिकली बच्चे फेल होते हैं, तो क्वांट में जो टॉपिक्स हैं उनको लिख लीजिए कि ये टॉपिक्स आ रहे हैं, ट्रेंड में चल रहे हैं, उनको यूट्यूब पे सर्च कीजिए और वहाँ से नोट डाउन करिए उनके सॉल्यूशंस, प्लस उसमें किस टाइप के और क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आई थिंक इस तरह से करते हैं, प्लस एक स्ट्रेटजी भी होती है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं प्रीलिम्स में, जैसे टाइम का मैनेजमेंट सही रखिए, फर्स्ट राउंड देना है फिर सेकंड राउंड देना है, तो उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट भी सीखिए। और सर प्रीलिम्स से पहले जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ का, वो सिमुलेट करिए, कि जैसे अगर रूम में बैठे हैं तो एसी मत ऑन कीजिए, कूलर मत ऑन कीजिए, पंखे में रहिए, और 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम की मेक श्योर करिए कि आप वो चीज़ सिमुलेट कर रहे हैं, कि वहाँ पे भी आपको 4 घंटे बैठना है दिन में, तो घर पे भी बैठे 1 महीने पहले से। मैम कोचिंग की रही बात, तो जहाँ तक मुझे पता चला है कि आपने बिना कोचिंग की तैयारी किया, तो कैसे किया आपने सर? सेल्फ स्टडी पे मेनली फोकस किया था मैंने, अलॉन्ग विद दिस जो भी यूट्यूब आज के टाइम पे ऐसा मीडियम बन गया है आई थिंक, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। यूट्यूब पे आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, टॉपर स्टॉक अवेलेबल है जहाँ से आप उनके रिसोर्सेज ले सकते हो। उसके अलावा आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अवेलेबल है, काफ़ी सारे टीचर्स वहाँ पे बताते हैं, तो वो चीज़ कर लेते हैं हम सी सेट के लिए स्पेसिफिकली। फिर मेंस की जो आंसर राइटिंग है, आई थिंक बहुत से टॉपर्स बताते भी हैं, अपनी आंसर शीट बताते हैं वहाँ पे, वहाँ से हम वो चीज़ ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन चाहिए तो यू कैन ऑल्सो गेट दैट फ्रॉम द यूट्यूब ऑल्सो। अच्छा मैम, मेंस की आंसर राइटिंग के बारे में कुछ बताया कि आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें नए एस्पिरेंट, और आपने कैसे किया था? सर बेसिकली ना मेरा ये था कि जब मैंने शुरुआत करी थी आंसर राइटिंग की प्रीलिम्स के बाद, तो ये था कि मैंने शुरुआत करने में मेरे को ये डर था कि मैं पहले टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लूँगी और मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो आई विल वेस्ट माय मनी अगर नहीं होता है तो। कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं कि exactly. मतलब शुरुआत कब करें, पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद? आई थिंक शुरुआत तो आपको, जैसे अगर लक्ष्मीकांत पॉलिटी का टेस्ट दे रहे हो एंड इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर लक्ष्मीकांत 10 to 12 times, तब आप आई थिंक कर सकते हो उसके क्वेश्चन सॉल्व मेन्स के लिए। इसके अलावा जैसे मैंने शुरू करी थी तो मैं टॉपर्स की जो आंसर शीट्स होती थी वो निकाल लेती थी ऑनलाइन, उसके क्वेश्चंस लिख लिए, उसके आंसर सर मैं खुद लिखती थी और मैच करती थी टॉपर्स कॉपी से कि मेरा कितना सेम टू सेम जा रहा है उनके। तो मैंने 20-25 दिन तक तो ये किया था, तब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया था। तब तक जब मेरा रिजल्ट आ गया था तब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी और वहाँ पर अपना आंसर राइटिंग पैटर्न एक डेवलप किया था।
स्टार्टिंग में ये था कि मैं जब लिखती थी तो मेरा जो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन है वो कंप्लीट ही नहीं होते थे। 16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन 3 घंटे में इतने ही कंप्लीट हो पा रहे थे। फिर आई रियलाइज कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फिर आई थॉट मैंने एक अपनी खुद की आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी या फिर टेक्निक डेवलप करी जिसमें मैं बहुत पैराग्राफ्स तो आई नेवर यूज्ड, पॉइंट्स भी मैं बहुत कम यूज़ करती थी और मैं फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स और रिप्रेजेंटेशन पर ज़्यादा वर्क करती थी। तो उस चीज़ पर जब मैंने वर्क किया तो आई रियलाइज कि मेरे जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। उसके अलावा मार्क्स इंक्रीज़ होने के अलावा मेरे जो टाइम पे पेपर कंप्लीट हो रहा था और फाइनल यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी मैंने यही चीज़ रेप्लिकेट करी थी कि मेरा जो पेपर है वो 3 घंटे से पहले ख़त्म हो रहा था, 10 मिनट पहले। इवन एथिक्स का पेपर भी मेरा 5 मिनट पहले ख़त्म हुआ था। इसके अलावा मेरी जो शीट थी वो सबसे यूनिक लगती थी क्योंकि उसमें पॉइंट्स अगर 20 क्वेश्चन है तो उसमें से 17 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने फ्लो चार्ट फॉर्मेट में लिखे थे और सिर्फ 3 क्वेश्चन मैंने पॉइंट वाइज लिखे थे। तो आई थिंक आंसर राइटिंग राइटिंग पे बहुत हाँ बिल्कुल सर हाँ एक होता है कि अट्रैक्शन होती है तो आई थिंक मेरी आंसर शीट में वो चीज़ थी। इसके अलावा मेरी आंसर शीट से एक और चीज़ जो मिलती है वो ये है कि भले ही से नॉलेज कम है बट जितनी भी है अगर आप उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो दैट्स अ बिग थिंग इन योर आंसर राइटिंग। अपना टाइम टेबल बताइए कि दिन की शुरुआत आप सुबह से उठ के कैसे कैसे पढ़ाई करते थे? सर बेसिकली मेरा ये था क्योंकि मैं घर पे रहती थी तो मेरा अर्ली मॉर्निंग स्केड्यूल रहता था कि मैं रात को 11 बजे के आसपास सो जाती थी, 11:30 और सुबह 5:30-6 बजे जग जाती थी। और मेरा ये था कि 6 बजे से सुबह और 12 बजे तक दोपहर के कम से कम 4 से 5 घंटे का स्टडी हो जाए मेरा कैसे भी करके। तो मैं वहाँ उस टाइम बहुत सीरियसली 3 घंटे का एक स्लॉट और 2 घंटे का एक स्लॉट देती थी। तो मतलब 5 घंटे मैं 12 बजे तक कंप्लीट कर लेती थी। 12 बजे के बाद मैं खाना खाती थी, सुबह चाय मिल जाती थी 6 बजे के आसपास तो 12 बजे के आसपास फिर खाना खाती थी, 1 बजे तक नहावा लेते थे। उसके बाद मैं अपना न्यूज़पेपर पढ़ती थी क्योंकि उस टाइम नींद आती थी तो न्यूज़पेपर देख लिया, फिर अगर सो गए तो दोबारा जग के न्यूज़पेपर क्योंकि न्यूज़पेपर में उतनी कंटिन्यूटी नहीं चाहिए। फिर जगने के बाद न्यूज़पेपर कंप्लीट करके फिर दोबारा मैं 3 घंटे का स्लॉट देती थी ऐसे ही करके। फिर शाम के 6 बजे के बाद मैं अपना ऑप्शनल उठाती थी मेनली, तो शाम की फिर मैं 4-5 घंटे अपना ऑप्शनल करती थी मोस्टली 5 या 6 बजे के बाद में। उसके बाद शाम की 8 बजे मेनली मैं ब्रेक लेती थी खाना खाने के टाइम पे फैमिली के साथ। मेरा सर ये टाइम फिक्स था कि 12 बजे के बाद मैं फैमिली के साथ खाना खाऊंगी और शाम की 8 बजे के बाद आई विल हैव माय डिनर विद माय फैमिली, तो मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी। मैम कितने घंटे जैसे कि पढ़ लेती थी पूरा दिन में? सर मेरे जो है वो टारगेट्स रहते थे डेली के। इसके अलावा मेरा ये था कि मैं घंटों के हिसाब से ही पढ़ती थी। टॉपर्स हालांकि बोलते हैं कि घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ते बट आई यूज़ टू स्टडी आर वाइज कि, लेकिन जैसे दिन में मेरा टारगेट होता था कि मैं 10 घंटे पढ़ूं, लेकिन किसी किसी दिन 8 घंटे रह जाते थे, किसी दिन 9 घंटे। और मैं ट्राई करती थी कि वीकली कम से कम मेरा 1 या 2 दिन ऐसा जाए जिसमें 11 से 12 घंटे मैं पहुंच रही हूं, और मंथली मैं थोड़ा एक दिन ऐसा पूरा मंथ में ऐसा हो कि मैं 13 घंटे भी पढ़ रही हूं। तो मैं मंथली जो है वो चीज़ एनालाइज करती थी कि मैं मंथ में कितने घंटे कितने दिन कितने ज़्यादा घंटे पढ़ी हूं। फोर पेपर के बारे में कुछ बताइए, कई एस्पिरेंट को दिक्कत आती है फोर पेपर में? हाँ सर GS4 जो है मैंने बहुत कम समय में किया था, बहुत कम किया था फिर भी मेरा अच्छा स्कोर आया है उसमें। आई थिंक इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी ये रहती है कि पहली बात तो जो जो वर्ड्स दे रखे हैं सिलेबस में मेक श्योर कि उनके नोट्स आपके पास रेडी हो ऑन हैंड। अलॉन्ग विद दिस आई थिंक एथिक्स ऐसा पेपर है, एथिक्स और ऑप्शनल जो आपका बिफोर हैंड बिफोर प्रीलिम्स कंप्लीट होना चाहिए। अगर ढंग से कंप्लीट नहीं है तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि आपके पास वो वर्ड के नोट्स हो आपके पास ताकि आप उनको प्रीलिम्स के बाद रिवाइज़ कर सकें। तो मेरे पास जो नोट्स थे उस चीज़ के ऑलरेडी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैंने नोट्स ले रखे थे वहाँ से, तो वह वो मैंने नोट्स रीड करे, उनको रिवाइज़ किया मैंने 2 बार और फिर मैंने टॉपर्स की कॉपी देखी कि टॉपर्स क्या लिखते हैं, केस स्टडीज़ में वो लोग क्या लिख रहे हैं या फिर जो मेन आंसर्स होते हैं तो उसमें क्या लिख रहे हैं। तो पहली चीज़ तो उसमें डायग्राम इंक्लूड करे, मेरे जो मेरे एथिक्स के पेपर में काफ़ी सारे डायग्राम्स थे मेन UPSC पेपर में, प्लस इवन केस स्टडीज़ में भी मैंने बहुत डायग्राम्स बनाए थे। आई थिंक वो चीज़ आप एक फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी कोचिंग का मटेरियल उठा लीजिए, मैंने वाजीरामन रवि का मटेरियल उठाया था वो पूरा फॉलो कर दिया, रिलीजियसली फॉलो करना है आपको तो मैंने वो चीज़ रिलीजियसली फॉलो करी थी। टॉपर्स की कॉपी देखी है कि वो क्या अलग लिख रहे हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उन्होंने क्या लिखा है और जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं उन्होंने क्या लिखा है। तो दोनों टाइप के टॉपर्स होते हैं, दोनों की एनालाइज करिए, आई थिंक दैट वुड हेल्प यू इन मच बेटर वे। मैम आपका ऑप्शनल क्या था? सर मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। और ऑप्शनल का चयन नए एस्पिरेंट कैसे करें? सर मैंने तो बहुत ही गलत तरीके से चयन किया था अपने ऑप्शनल का,
मुझे किसी ने बोला कि ऑप्शनल ज्योग्राफी ले लो, ये अच्छा स्कोर करते हैं इसमें बच्चे, और मैंने ले लिया और मतलब बिना काम देगा, हाँ फायदा होगा। हाँ मुझे किसी ने बोला और मैंने ले लिया बिना कुछ सोचे समझे, जबकि मेरा मैथमेटिक्स ऑनर्स बैकग्राउंड था। तो ये चीज़ होती है कि एक बार ही पता कर लीजिए कि कौन कौन से ऑप्शनल अवेलेबल है, उसके बाद आपको किस किस चीज़ में उसमें से इंटरेस्ट है, टेक्निकल बैकग्राउंड है या फिर आर्ट्स वाला बैकग्राउंड है, उस हिसाब से सिलेक्ट करिए। फिर सिलेबस देखिए, सिलेबस देखने के बाद टॉपर स्टॉक देखिए उस ऑप्शनल के स्पेसिफिक, उसके अलावा PYQs देखिए। आई थिंक इतनी चीज़ देखने के बाद यू विल बी एबल टू रियलाइज़ कि हाँ ये ऑप्शनल ऐसा है जिसमें मैं 1 साल 2 साल 3 साल पढ़ सकता हूँ लगातार, इसको इसमें मेरा इंटरेस्ट बना रहेगा। हालांकि मेरा ज्योग्राफी जो था मेरा बैकग्राउंड नहीं था, बट स्टिल आई वॉज एबल टू फाउंड इंटरेस्ट, और तभी मैंने इतना अच्छा स्कोर किया है 280 के अराउंड। तो जब मैं बिना अपने मन का सा सब्जेक्ट लिए हुए उसमें इतना अच्छा ऑप्शनल में स्कोर कर सकती हूँ, तो आई एम श्योर कि मेहनत की ज़रूरत है। ऑप्शनल कोई सा भी हो, सारे ऑप्शनल में अच्छा स्कोर आता है, बस आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है वो। इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे किया था मैम? सर बेसिकली इंटरव्यू के लिए मुझे एक पीयर ग्रुप मिल गया था अपना, मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन अकेले घर पर रह के करी है, बट बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को इंटरव्यू के टाइम पे आई गॉट अ पीयर ग्रुप, जहाँ पे 3-4 दोस्त थे मेरे, एंड वी यूज़ टू डू जैसे कि वो लोग मेरा इंटरव्यू लेते थे, वो भी इंटरव्यू दे रहे थे, तो मैं भी उनका इंटरव्यू लेती थी लाइव आमने सामने बैठ के। एक चीज़ ये थी, इसके अलावा मेरे फादर और मेरे पेरेंट्स जो थे वो उन्होंने बहुत हेल्प करी है, मदर और फादर ने दोनों ने। फादर मेरे को बताते थे कि कॉन्फिडेंस इज़ द मेन थिंग, बस कॉन्फिडेंस रखना और स्माइल रखना वहाँ जाके, ये चीज़ मेरे फादर ने मुझे हमेशा बताई। मेरी मदर भी मुझे अच्छी बातें सिखाती थी कि बहुत ही अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना उनके सामने। इसके अलावा डेफ मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था अपना, मतलब वर्ड टू वर्ड मेरा डेफ कंप्लीट था। इस तरह से डेफ कंप्लीट करना, दोस्तों के साथ फेस टू फेस रह के इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना, इसके अलावा मॉक इंटरव्यू देने जाना, आई थिंक ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है इंटरव्यू में। मैम 11th 12th के कुछ एस्पिरेंट होते हैं, वो मतलब तैयारी मतलब कहा जाते हैं 11th 12th के कुछ बच्चे जो यूपीएससी तैयारी करना चाहते हैं, उसे आप क्या करना चाहेंगे? सर जो बच्चे 11th और 12th में हैं उनको मैं एक बात तो ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अभी 10th क्लास में हो तो चूज़ योर स्ट्रीम वाइजली, मतलब अगर आपको यूपीएससी में ही जाना है तो प्रेफर करिए कि आप आर्ट्स ही चूज़ करें। आपको क्यों साइंस बैकग्राउंड में जाना है अगर आपको यूपीएससी करना है, क्योंकि मोस्टली जो हमारा सिलेबस है ये आर्ट्स बैकग्राउंड का ही है, डबल मेहनत क्यों करनी है। और जो बच्चे ऑलरेडी 11th 12th में हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड है या फिर कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है आपने ऑलरेडी, तो मेक श्योर करिए कि आप 11th 12th में डिसाइड कर ले कि आपको फ्यूचर में करना क्या है। मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड किया था कि मुझे यूपीएससी करनी है, तो एटलीस्ट अगर आपके 11th 12th में ये चीज़ माइंड में होगी तो आप उसी तरह पढ़ेंगे, उसी तरह आपका बिहेवियर भी होगा टुवर्ड्स योर स्टडीज़, टुवर्ड्स योर एल्डर्स। इसके साथ अपनी लाइफ को इन्जॉय करना ना भूलें, मतलब बच्चे इतना ये है कि 11th 12th में आके देर लाइक कि हम तो यूपीएससी करनी है, बट उस केस में डू नॉट मिस योर स्टूडेंट लाइफ। कॉलेज के टाइम पे आके कॉलेज डेज मत वेस्ट करिए, कॉलेज डेज सबसे प्रीशियस टाइम होता है अपनी लाइफ का। मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने वेस्ट नहीं करे, और मैं भी आपको यही एडवाइस दूंगी कि कॉलेज टाइम पे इन्जॉय भी करिए और पढ़ाई भी करिए। यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें तो थोड़ा टाइम यूपीएससी के लिए भी दीजिए, बट फाइनली ग्रेजुएशन के बाद फुल फ्लेज प्रिपरेशन में लग जाइए 2-3 साल। मैम यूपीएससी के लिए शॉर्ट नोट्स के बारे में कुछ बताइए। सर बेसिकली मैं बहुत नोट्स बनाती थी अपने, हैंड रिटन नोट्स। आजकल बच्चे बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे सॉफ्ट कॉपीज पे नोट्स बनाते हैं, मैं पर्सनली बहुत ही पेन पेपर यूज़ करती थी बहुत ऐसे। इसके अलावा नोट्स तभी बनाइए जब आपने कम से कम कोई भी बुक 3 या 4 बार पढ़ ली हो। जैसे मैंने अपने एंशियंट और मेडिवल की जो NCERTs है उनमें से नोट्स बनाए थे, लेकिन मैंने कम से कम 3 या 4 बार वो ऑलरेडी जब पढ़ ली थी तब मैंने अपने नोट्स बनाए थे उसमें से, क्योंकि तब मुझे पता था कि हाँ ये चीज़ तो मुझे बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिया, ये चीज़ नहीं पूछते हैं या फिर ये चीज़ बार बार पूछ रहे हैं या फिर ये चीज़ पूछी जा सकती है, तो उनको अपने नोट्स में नोट डाउन करिए। इस तरह से आई थिंक नोट्स बना सकते हैं। मैम NCERT का मतलब क्या योगदान होता है और कौन कौन सा NCERT पढ़ना चाहिए यूपीएससी के लिए? सर आई पर्सनली फील कि जो NCERTs है जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है स्टूडेंट्स का, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ NCERTs तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका बैकग्राउंड हो चाहे ना हो, जो आपको ऑल थ्रू आउट प्रिपरेशन रखनी है अपनी, जैसे कि ज्योग्राफी की है 11th 12th की, इकोनॉमी की 11th 12th की, देन एंशियंट मेडिवियल एंड आर्ट एंड कल्चर, ये NCERTs तो बिल्कुल करनी ही करनी है ऑल थ्रू आउट द प्रिपरेशन।
इसके अलावा जो बाकी एनसीईआरटीज है उनका एक ओवरव्यू ले लीजिए कि अच्छा इस एनसीईआरटी में ये चीज़ है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ कि ये चीज़ होती है, लाइक इफ़ यू हैव अ पार्लियामेंट उसमें लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको बेसिक एनसीईआरटी से। ऑब्वियसली बात है कि स्टैंडर्ड बुक्स में आप ये पढ़ोगे, बट एनसीईआरटीज कंप्लीट करके आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है यूपीएससी के टूवर्ड्स, आपको फिर यूपीएससी उतना टफ लगेगा नहीं जितना टफ बना रखा है ये, बातों से ही बना रखा है आई थिंक सर इतना टफ ये जो यूपीएससी है एज अ एग्ज़ाम। अगर मेहनत करोगे और सही राह पे चलोगे तो आई थिंक यू विल बी एबल टू मेक दिस मेक इट इन द यूपीएससी। मैम जैसा कि प्रीलिम्स की बात किया जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिक्कत ही आती है स्टूडेंट को, तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए आप? सर आई थिंक इन्वायरमेंट के लिए आज के टाइम पे बहुत स्पेसिफिक बुक्स अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल शंकर आईएएस जो है एक बुक वो अवेलेबल है अच्छे से मार्केट में, बहुत से टॉपर्स फॉलो भी करते हैं। एक दूसरी बुक भी है सर वैशाली आनंद मैम की है एक बुक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, वो भी आजकल आई थिंक बहुत ट्रेंड में है। आई पर्सनली यूज दैट बुक और मुझे हेल्प हुई थी, यू कैन हैव अ लुक एट दैट बुक। उस बुक के लिए आप एक बार देख सकते हो कि वो बुक कैसी है, दोनों को कंपेयर कर सकते हो शंकर आईएएस को और उस बुक को, फिर आप खुद का डिसीजन ले सकते हो उसके आगे। इसके अलावा साइंस एंड टेक पे प्लीज़ रिलाई टू द करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स पे स्टक करिए, उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए कोई भी एक रिसोर्सेज लेके करंट अफेयर्स का। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सर।